राहुल गांधी नू जिहड़ा लोक सभा चों डिसक्वालीफाई किया गया, मैं समझदा कि किसी भी तरीके वाजब नहीं है। साढ़े कांग्रेस नाल बहुत मतभेद आ, असी राहुल गांधी दीआं नीतियां दे सख्त खिलाफ हाँ, पर फिर भी एक मैंबर पार्लीमेंट नू जां MLA नू हटाउण तों पहलां समां जरूर देना चाहिए कि वह हायर कोर्ट दे विच अपील कर सके। इस तरीके जे स्पीकर साहिबान अपनी शक्ति की जिहड़ी है वरतों करनगे कि जे तां रूलिंग पार्टी का होया तो उन्हू बचाउण वास्ते समां देता, पंजाब दे विच जिहड़े सेहत मंत्री साहब ने उन्हां नू 3 साल की सज़ा हुई हुई है, इत्थे तुसीं अपने MLA नू मौका दे दिंदे हो कि तू कन्विक्शन स्टे करा ला। इस तरह होर भी स्टेटां दे विच कई थावां ते इदां दीआं गल्लां होईआं। एक कानून सारे वास्ते एक होना चाहिए और नैचुरल जस्टिस का जो प्रिंसीपल है वह फॉलो होना चाहिए कि जे किसी को कोई सज़ा हो जाती है 2 साल तो वध तो उन्हें मौका जरूर देना चाहिए कि हायर कोर्ट के वो अपील कर सके, जे फिर भी जड़ा ना हो एक्शन लिया जा सकता। इस करके जो तरीका है डेमोक्रेसी को खत्म करने वाले पास तुरै, इस वे पूरी तानाशाही वाला काम जो चल पाया ये वाजिब नहीं। देखो राहुल गांधी नू जिहड़ा लोक सभा चों डिसक्वालीफाई किया गया, मैं समझदा कि किसी भी तरीके वाजिब नहीं है। साढ़े कांग्रेस नाल बहुत मतभेद आ, असी राहुल गांधी दीआं नीतियां दे सख्त खिलाफ हाँ, पर फिर भी एक मैंबर पार्लीमेंट नू जां MLA नू हटाउण तों पहलां समां जरूर देना चाहिए कि वह हायर कोर्ट दे विच अपील कर सके। इस तरीके जे स्पीकर साहिबान अपनी शक्ति की जिहड़ी है वरतों करनगे कि जे तां रूलिंग पार्टी का होया तो उन्हूं बचाउण वास्ते समां देता, पंजाब दे विच जिहड़े सेहत मंत्री साहब ने उन्हां नूं 3 साल की सज़ा हुई हुई है, इत्थे तुसीं अपने MLA नूं मौका दे दिंदे हो कि तू कन्विक्शन स्टे करा ला। इस तरह होर भी स्टेटां दे विच कई थावां ते इदां दीआं गल्लां होईआं। एक कानून सारे वास्ते एक होना चाहिए और नैचुरल जस्टिस का जो प्रिंसीपल है वह फॉलो होना चाहिए कि जे किसी को कोई सज़ा हो जाती है 2 साल तो वध तो उन्हें मौका जरूर देना चाहिए कि हायर कोर्ट के वो अपील कर सके, जे फिर भी जड़ा ना हो एक्शन लिया जा सकता। इस करके जो तरीका है डेमोक्रेसी को खत्म करने वाले पास तुरै, इस वे पूरी तानाशाही वाला काम जो चल पाया ये वाजिब नहीं।